नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और स्वागत है आपका किंग इन किचन में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम स्टैक कुकिंग स्टाइल या डबल डकर कुकिंग स्टाइल से हम कोई भी रेसिपी बहुत ही आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको स्टैक कुकिंग स्टाइल में एक नया रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू मेक मसाला खिचड़ी। ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं हाउ टू मेक मसाला खिचड़ी इन स्टैक कुकिंग स्टाइल या डबल डेकर कुकिंग स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स में। चाहिए बीन्स, कैरेट, अनियन के हमने लेयर्स निकाल के इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, आलू, फ्रेश ग्रीन मटर, ये हुए सारे वेजिटेबल्स। तो हम देखते हैं मसाला के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स, चना दाल, जीरा, धनिया होल, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, सफ़ेद तिल, खसखस, एसोफिटेडा पाउडर, बादाम, ड्राई कोकोनट, उड़द दाल और ड्राई मिर्च। हम एक बर्तन में अब लेंगे 1.5 ग्लास राइस और सेम क्वांटिटी में लेंगे तुअर दाल। से हमने ये आधे घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। हम इसका डबल क्वांटिटी पानी डालेंगे और फिर इसे बॉईल करेंगे। दोस्तों, जब राइस और दाल पक रहा है चलिए हम अपने वेजिटेबल्स को भी कुक कर लें। इसे स्टैक कुकिंग करते हैं। तो हमने एक स्टीमर रख दिया, उसके ऊपर हमने सारे वेजिटेबल्स हमें डाल दिया है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी सब बच जाएगा। इसका फ़ायदा यह भी है कि दोस्तों कि जो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर है वो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई भी डैमेज नहीं आएगा और न्यूट्रिएंट्स भी पूरा बरकरार रहेगा। हमने सारे वेजिटेबल्स और पीनट्स भी डाल दिया। अब हम इसे रखने के लिए बंद करके छोड़ देंगे। चलिए तब तक हम मसाला खिचड़ी का मसाला बना लें। इसके लिए हमें ड्राई रोस्ट करना है। हमने पहले धनिया डाल दिया है, फिर चना दाल, फिर हम डालेंगे उड़द दाल, जीरा, इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में से रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे इसे पाउडर करने के लिए। अब चलिए हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स भी रोस्ट कर लें। यहाँ हम ले रहे हैं ड्राई रेड चिली, ड्राई कोकोनट, इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में रोस्ट कर लेंगे और इसे भी डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में इसे पाउडर करने के लिए। फिर हम रोस्ट करेंगे गरम मसाला, सफेद तिल, और खसखस। चलिए इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो हमने सारे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया है जो हमें ज़रूरत है मसाला खिचड़ी बनाने के लिए। और इसे मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड करके फाइन पाउडर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा राइस और दाल कितना पका है। तो अभी दाल और भी थोड़ा पकना बाकी है और यहाँ थोड़ा पानी भी कम लग रहा है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगा। तो आप बीच में चेक करते रहिएगा ऐसा ना हो पानी कम हो जाए और आपका राइस जल जाए। तो अभी राइस और दाल अच्छी तरह पक चुका है। तो हम सारे वेजिटेबल्स जो हमने स्टीम किए थे
वो हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, फिर मैं डालूंगा हींग पाउडर, हींग पाउडर तकरीबन आपको 1/2 टीस्पून डालना होगा। फिर जो हमने पाउडर पीस कर रखा था हम वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ भी पाउडर अभी 1/2 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट करके देखूँगा, फिर मैं बाकी पाउडर अपने हिसाब से डालूँगा। दोस्तों खटाई के लिए मैं यहाँ इमली बॉयल कर रहा हूँ, और आपको अगर इमली पसंद नहीं है तो आप इसके जगह पे टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ इमली डाल दिया है खटाई के लिए, ताकि इसमें एक टैंजी टेस्ट भी आएगा। अब चलिए हम बनाते हैं तड़का। इसके लिए हम 3 टीस्पून देसी घी लेंगे, फिर डालेंगे राई, फिर हम डालेंगे करी पत्ता और लाल मिर्च और कुछ काजू। फिर हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे जब तक काजू का रंग थोड़ा ब्राउन हो जाए। तो काजू का रंग ब्राउन हो जाए इसका मतलब तड़का रेडी है, हम इसे खिचड़ी के साथ डाल देंगे। तो दोस्तों ये तड़का डालने के तुरंत बाद हमें इसे कम से कम 2 या 3 मिनट तक बंद करके रखना है, ताकि जो तड़का का जो टेस्ट है वो उसमें पूरा अब्सॉर्ब हो जाए। अच्छा मैंने डाल दिया, इसे बंद कर दिया और मैं 2 मिनट बाद खोलूँगा। तो लीजिए दोस्तों हमारा मसाला खिचड़ी बन के रेडी हो गया है, आप इसे अचार के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।